Enjoy the latest movies and biggest blockbusters of all time. Exclusively on erosnow.com. Wow, Rafiq. Zabardast photo aayi hai. Yaar Rafiq, tumne is kitab mein kya likha hai? नाचने वाली औरतों की कहानी है क्या इसमें? सर एक्चुअली तमाशा में काम करने वाली औरतें जो हैं उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रफीक तुम मुसलमान हो, तुम शर्व शरीक हो, ये तमाशा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? सर मैं 5 साल से तमाशा को लेकर रिसर्च कर रहा हूँ। तुम रिसर्च करने वालों की यही प्रॉब्लम है, जिस फोटो को कवर पर होना चाहिए तुमने उसे अंदर डाल दिया है। कवर पर डालो, ये लो। और एक काम करो, कल से हमारे न्यूज़पेपर में ऐसे हॉट फोटो छापना शुरू कर दो। रफीक, हाँ, मैं बाबा देसाई की शोक सभा में जा रहा हूँ। कल की हेडलाइन बाबा देसाई की मृत्यु होगी। सारा मटेरियल तैयार है, बस कुछ रिएक्शंस लेना बाकी है। ओके? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट पेज की न्यूज है। मतलब हिंदू तांगे वाला इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया और कुछ मुसलमानों ने उसे दफना दिया। ये फ्रंट पेज की न्यूज रहेगी? फ्रंट पेज की न्यूज। और फिर बाबा देसाई की मृत्यु की न्यूज छपेगी? फ्रंट पेज पे नहीं। बाबा देसाई स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी के साथ थे, पूरी उम्र देश के लिए दे दी। हाँ, ठीक है, बाबा देसाई बहुत महान इंसान थे, उनके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल देशभक्ति का मार्केट नहीं है। देखो, मैं समझाता हूँ। बाबा देसाई की उम्र 98 साल थी, वो 8 साल से बीमार थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे और मर गए। इसमें न्यूज़ कहाँ है? नो डाउट बाबा देसाई बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन न्यूज़ छोटी है। और ये दांगे वाला आदमी छोटा है लेकिन न्यूज़ बड़ी है। तुम समझो कुलकर्णी, न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, आदमी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी तांगे वाले की न्यूज़ फ्रंट पेज पे नहीं छपेगी। अरे ओ कुलकर्णी, ये ईगो छोड़ो। तुम क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, कोई मतलब नहीं। लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, मैं एडिटर हूं, लोग क्या पढ़ेंगे ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? रफीक जी, हुँ.